नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपका माय बिल बुक सॉफ्टवेयर में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम आपको माय बिल बुक सॉफ्टवेयर का डिटेल डेमो देने वाले हैं। तो आइए जानते हैं माय बिल बुक के फीचर्स के बारे में विस्तार से। ये हमारा माय बिल बुक का वेब पेज है। यहाँ पर आप लॉग इन कर सकते हैं राइट हैंड कॉर्नर के बटन पर क्लिक करके। नॉर्मली हमें खाली अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालना है। ओके, ये ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। प्लस अगर आप शॉर्टकट में अगर यानी इमीडिएटली लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको स्कैनिंग के थ्रू क्यूआर कोड के थ्रू भी लॉगिन मिलता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अब हम हमारे डैशबोर्ड स्क्रीन पर आ चुके हैं। इसमें हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक तरीके से हमारा पूरा का पूरा बिजनेस का ओवरव्यू मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर टू कलेक्ट यानी जिनसे हमें पैसे लेने हैं वो ऑप्शन दिखता है। राइट साइड के टॉगल में जिन्हें हमें पैसे देने यानी जिन्हें पैसे हमें प्रोवाइड करने हैं, अगर हमने कुछ परचेज वगैरह किए हैं, एक्सपेंसेस गए हैं हमारे, तो वो इसमें आ जाएगा। प्लस नीचे में देखेंगे लेफ्ट साइड में तो आपको लेटेस्ट ट्रांजेक्शन देखने को मिलेंगी। तो अगर आज हाल फिलहाल में अगर आपने कोई भी न्यू ट्रांजेक्शन बनाई है उस तरीके से ये ऑर्डर सेट होता है। यहाँ पर आपको सारी लेटेस्ट ट्रांजेक्शन मिल जाएंगी। राइट साइड में आपको टॉगल मिलता है स्मार्ट कलेक्ट पेमेंट का प्लस टोटल कैश एंड बैंक बैलेंस का। तो अगर आप चाहें, अगर आपको शॉर्टकट में ये देखना है कि मेरे पास स्मार्ट कलेक्ट में कितने पैसे रिसीव हुए हैं, तो वो आप इसके थ्रू देख सकते हैं। प्लस कैश या फिर बैंक बैलेंस में अगर आपकी डील हुई है तो वो सारा अमाउंट आपको इसमें देखने को मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्स रिपोर्ट आपको डैशबोर्ड में देखने को मिलती है, जिसके अंदर आप चाहे तो डेली वरना हफ्ते का, पूरे हफ्ते का ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाएगा। कितने इनवॉइसेस बने इस पूरे हफ्ते में, प्लस आपका कितना ज्यादा सेल हुआ है, ये सारी रिपोर्ट आपको ग्राफ के थ्रू मिल जाती है। प्लस नीचे में देखेंगे तो अब हम समझते हैं, बिफोर हम एक बिल बनाएं, बिल बनाने से पहले दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली है हमारी पार्टीज एंड दूसरे होते हैं आइटम्स। अब पार्टीज में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑल सर्च बाय पार्टी, कैटेगरी वाइज पार्टी या फिर टू कलेक्ट एंड टू पे, टू वर्ड्स ईच एंड एवरी पार्टी, ये सब आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। पार्टी वाइज रिपोर्ट अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से शॉर्टकट ले सकते हैं। आपको ये दोनों चीजें इस पे अप्रोचेबल है। राइट साइड टॉप कॉर्नर में देखेंगे तो ब्लू बटन में आपको क्रिएट पार्टी ऑप्शन है, जिसमें आप कोई भी पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर एक ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं, ये एक ऐसा इनपुट है जो आप डाल सकते हैं अगर आपकी कोई एडवांस में डील हुई है तो। तो अगर आप कहते हैं कि इस पार्टी के साथ में मुझे लेना है या इस पार्टी से पैसा इनको देना है, तो दोनों ऑप्शन आपके पास टू कलेक्ट एंड टू पे का ऑप्शन है। मोबाइल नंबर यहां डाल दीजिए पार्टी का, ठीक है, या आप चाहे तो ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जिन डिजिट्स के सामने अगर ऊपर में अगर आप देखेंगे तो आपको स्टार ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी वो मैंडेटरी नहीं है। तो जहां जहां आपको स्टार ऑप्शन है वहां पर आपका मैंडेटरी है, ये कॉलम आपको फिल करने ही पड़ेंगे। तो अगर ये पार्टी आपकी कस्टमर या सप्लायर है तो आप चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस। यहां से आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो एक कैटेगरी बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, अगर आप फॉर एग्जाम्पल कार का बिजनेस करते हैं और आप कहते हैं कि सर मेरे यहाँ BMW मर्सिडीज जैसी सारी गाड़ियां हैं, तो आप BMW के अगर किसी भी कस्टमर को बेच रहे हैं गाड़ी तो उसके नाम पर एक कैटेगरी बना करके रख सकते हैं जो, या फिर अगर कोई सप्लायर है आपका जो आपको ये गाड़ियां बेचता है उसके नाम पर भी आप ये कैटेगरी बना सकते हैं। बेसिकली आपके लिए शॉर्टकट बन जाता है। यहाँ पार्टी का GST नंबर आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आ जाएगा, तो आप ये चूज कर सकते हैं। बिलिंग एड्रेस आप चाहें तो अपने हिसाब से जो भी पार्टी का पर्टिकुलर एड्रेस है वो लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो शिपिंग एड्रेस, अगर आपको यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पर ध्यान देंगे तो सेम एज बिलिंग एड्रेस का ऑप्शन है, तो इसे आप चूज कर सकते हैं। मल्टीपल एड्रेसेस शिपिंग एड्रेसेस का ऑप्शन है तो आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। क्रेडिट पीरियड अगर आपने किसी को दे रखा है, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं अमाउंट ऑफ डेज पार्टी इज अलाउड टू वेट बिफोर मेकिंग द पेमेंट फॉर एन इनवॉइस, तो कितने दिन का आप डिले पीरियड दे रहे हो एक पार्टी को। अगर आप चाहते हो आपकी पार्टी 30 दिन के अंदर पे करे तो 30 डेज का पीरियड दीजिए। अगर आप कहते हैं कि आपकी पार्टी को नेक्स्ट डे ही पे करना है तो आप एक दिन का कर सकते हो। क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं, एक मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहेगी जो एक पार्टी विच होल्ड करके रख सकती है, वो एक क्रेडिट अमाउंट पे ही रहता है। तो हम ये पार्टी डिटेल्स डाल करके इसे सेव पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये अभिषेक नाम से हमारी ये पार्टी सेव हो गई है, जिसकी ट्रांजेक्शन प्रोफाइल लेजर स्टेटमेंट आइटम वाइज रिपोर्ट स्मार्ट अकाउंट
ये सब कुछ यहाँ देखने को मिल जाएगा। प्लस अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो एनी टाइम एडिट में और डिलीट में जा सकते हैं। रिमाइंडर अगर आपको किसी पेमेंट के लिए भेजनी है तो देखिए यहाँ पे हमने आपको शॉर्टकट टॉगल दिया है सेंड रिमाइंडर का, इस पे आप क्लिक करके इस पार्टी को डायरेक्ट SMS भेज सकते हैं। प्लस अगर आप कहते हैं कि अगर आपको किसी पार्टी की टोटल इन डिटेल चाहिए तो उसके लिए आप हमारे यहाँ से रिपोर्ट्स पर भी ऑटोमेटिकली जा करके इन डिटेल रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि अगर आपके पास में कोई भी पार्टीज की टोटल डिटेल्स हैं जो आप बल्क में अपलोड करना चाहते हो तो वो भी अब आपको ऑप्शन मिलता है माय बिल बुक पर। माय बिल बुक में आपको पार्टीज के लिए नॉर्मली डाउनलोड करनी है ये एक्सेल फाइल यहाँ से। ये एक्सेल फाइल आपके सिस्टम पे डाउनलोड होगी जो कि एक फॉर्मेट है हमारी कंपनी का XLSX, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसी फॉर्मेट में सामने वाली पार्टी को डिटेल्स अपडेट करनी है। अगर आपके पास में ऐसे कोई सप्लायर या फिर पार्टीज की इंफॉर्मेशन है उसे अपडेट करिए और नॉर्मली यहाँ ला करके आप सिस्टम से चूज करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रेफरेंस के लिए दो अटैच्ड वीडियोस हैं जिसे आप एनी टाइम देख सकते हैं। ये बोथ हिंदी और इंग्लिश में है तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। सेम तरीके से हमें आइटम्स भी क्रिएट करनी है बिल बनाने से पहले। यहाँ पर हमने आपको स्टॉक मैनेजमेंट के लिए स्टॉक वैल्यू, लो स्टॉक वार्निंग एंड आइटम एक्सपायरी तीनों के ऑप्शंस ऊपर में दे दिए हैं। शो लो स्टॉक के लिए आपको नॉर्मली इस पे क्लिक करना पड़ेगा। ये टॉगल आपको बताएगा कि कौन से आइटम खत्म होने वाले हैं। सर्च करना चाहते हैं किसी आइटम को अगर उसके नाम से, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एप्पल है तो हम डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं यहाँ से। कैटेगरी वाइज अगर आपने कोई एप्पल की कैटेगरी है, क्वालिटी ऑफ एप्पल्स हैं उसके हिसाब से कोई कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। प्लस आइटम वाइज रिपोर्ट की भी आपको यहाँ पर शॉर्टकट टॉगल मिल जाती है जिसमें आपको रेट लिस्ट, स्टॉक समरी, लो स्टॉक समरी, आइटम सेल समरी चारों मिल जाते हैं। इसी सेम तरीके से अगर आप चाहो तो यहाँ से स्क्रॉल थ्रू कर सकते हो। राइट साइड कॉर्नर पे आपको एडजस्टमेंट्स ऑफ स्टॉक मिल जाता है ऑप्शन। प्लस समझते हैं कि आइटम क्रिएट कैसे होता है। क्रिएट आइटम पे जाइएगा टॉप राइट कॉर्नर में जिसमें आपको ऑब्वियसली फोटोज डालने का भी ऑप्शन कंपनी देती है। तो अगर आप कहते हैं कि आपके सिस्टम पे बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास कोई भी पिक्चर है जो आप कहते हैं कि मैं इसे अपलोड कर सकता हूं तो आप जाके किसी भी सिस्टम में एक फोटो अपलोड कर दीजिए। इस तरीके से आपको बाय डिफॉल्ट 5 फोटो डालने को मिल जाती है। ये आइटम आपका प्रोडक्ट या सर्विस में आता है उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं प्रोडक्ट या सर्विस। आइटम का नाम डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका नाम दे देता हूं कार, इसकी एक कैटेगरी बना सकते हो आप। कार से रिलेटेड ऑब्वियसली बात है कि आपके पास मल्टीपल कार्स भी हो सकती हैं, ऑटोमेटिक भी हो सकती है, मैनुअल भी हो सकती है, तो उस हिसाब से आप एक कैटेगरी सेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ये आपके ऑनलाइन स्टोर में दिखे तो इस टॉगल को आप ऑन रखिए वरना इसे बंद कर दीजिए। आइटम कोड अगर आपके पास में कोई है तो आप डाल दीजिए। आइटम की कोई डिस्क्रिप्शन है तो आप डाल सकते हैं जो कि वैल्यू एडिशन का काम करे। एंड ऑफ कोर्स आपको यहां पर HSN कोड और GST रेट का भी ऑप्शन मिल जाता है। GST के हिसाब से हमने मॉड्यूल सेट किए हुए हैं। अगर आप कहते हैं कि आपका इसमें से कोई भी एक सर्टेन GST मैच होता है आपके बिजनेस को तो आप ऐड करिए। बाय डिफॉल्ट हमने यहां पर आपके लिए और काम आसान कर दिया है। HSN कोड के लिए आपको गूगल पर सर्च करने की जरूरत नहीं है। यहां से अगर आपके लिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो आप बेचते हो या खरीदते हो उसकी HSN आप डायरेक्टली यहां से अपलोड कर सकते हो। ये आपको सिस्टम में मिल जाएगा। आप नॉर्मली उसका HSN कोड यहां से सर्च कर सकते हैं। अगर इस आइटम की कोई बैचिंग वगैरह है, आप चाहते हैं बैचिंग करना, तो उसके लिए आइटम सेटिंग्स में जा करके ये सारी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं। प्लस आपको बैचिंग एनेबलमेंट का ऑप्शन है तो आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे ऑन कर देता हूं सो दैट आपको इन डिटेल आइडिया मिल जाए। ये आइटम अगर आप इसके ऊपर कोई ऑल्टरनेटिव यूनिट डालना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि सर ये गाड़ी के हिसाब से हम इस गाड़ी के सब पार्ट्स भी बेचते हैं या फिर ये टोटल कार नहीं है, इसके हाफ हाफ पार्ट में हमने टोटल बॉडी असेंबल करी है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर एक बेसिक प्राइमरी यूनिट सेट कर सकते हैं जो कि ऑब्वियसली अगर हम पीसेस डाल रहे हैं। एंड अगर आपके पास में कोई सेकेंडरी यूनिट है जहाँ पर आप मेजरमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। प्लस लो स्टॉक वार्निंग आप ऑन कर दीजिए। यहाँ लो स्टॉक यूनिट्स में अगर आप कहते हैं कि सर मुझे पता करना है कि मेरे यूनिट कितना कम हो गया, तो अगर आप कहते हैं आपके पास में 50 पीसेज ऑफ दीज कार्स हैं तो आप 50 यहाँ पे डाल दीजिए। लो स्टॉक वार्निंग आपकी 50 से नीचे जाते ही आपको पता चलेगी। स्टॉक इन टोटल आप डाल दीजिए 100। तो जैसे ही ये 100 से कम हो करके 50 के नीचे जाएगा आपको वार्निंग मिलनी शुरू हो जाएगी। ये आपकी बैच एनेबलमेंट है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके फार्मेसी या फिर FMCG ऐसे स्टोर्स हैं जहां पर कोई भी प्रोडक्ट की एक एक्सपायरी होती है, वो प्रोडक्ट खराब होने वाला है, तो उसे आप यहां पर डाल सकते हो। उसकी सेल्स प्राइस आप डाल सकते हैं चूजिंग दिस, परचेज प्राइस डाल सकते हैं,
अगर वो विद टैक्स या विदाउट टैक्स है वो उसका भी ऑप्शन आपको हमने दिया हुआ है, प्लस उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी एंड एमआरपी, ये तीनों भी ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो आप रखो, वरना अगर आप कहते हैं कि आपको ये चीज़ नहीं चाहिए तो आप इसे हटा सकते हैं नॉर्मली आइटम सेटिंग्स में जाकर। हर एक आइटम को हमने अब बारकोड का भी ऑप्शन दे दिया है, तो अगर आप चाहो तो इस आइटम का बारकोड ऑटोमेटिकली, जैसा आप देख सकते हैं, ये रेडी है, ठीक है, तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हो अपने सिस्टम पे, या फिर अगर आपके पास में कोई भी हाइपरजेट प्रिंटर है तो उसे आप बारकोड के थ्रू प्रिंट भी कर सकते हैं, तो बारकोड लेबल प्रिंटिंग भी आपको मिल जाती है बाइबल बुक सॉफ्टवेयर पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम इस आइटम को सेव कर देंगे। आइटम कंप्लीशन के लिए ऑब्वियस ही बात है कि हमें सारे के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इसी में, प्लस अगर हम बात करें हमारे सेल इनवॉइस की, अब तो जैसे मैंने आपको बताया था आइटम के अंदर जैसे पार्टीज को हमने बल्क में अपलोड किया था, उसी सेम तरीके से हम आइटम्स को भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्सेल फोटो या फिर पीडीएफ इंपोर्ट थ्रू व्यापार, यानी कोई और अगर कंपनी के तरफ से, अगर आप पहले यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे और अब आपको स्विच करना है माई बिल बुक पर, तो वो टैली, मार्क, बिजी या फिर कोई कस्टम सॉफ्टवेयर हो, वो दिक्कत नहीं है, आप और नॉट और यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपना डेटा ला करके सेम फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, जैसे हमने पार्टीज को सीखा था अपलोड करना उसी सेम तरीके से। अब आ जाते हैं हमारे सेल इनवॉइस पर। सेल इनवॉइस में हमें डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है सर्च करने के लिए विद इनवॉइस नंबर, या फिर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हमने आपको ऑप्शन दिए है टुडे, यस्टरडे, ऑल टाइम, तो ये सारे आप चेक कर सकते हो। प्लस आपको मिल जाती है सेल इनवॉइस में पेड और अनपेड के हिसाब से भी आप इनवॉइसेस देख सकते हो कि कितने लोगों ने पेमेंट अभी तक कंप्लीट किए, कितने नहीं। क्रिएट करने के लिए नॉर्मली टॉप राइट कॉर्नर पर आप क्लिक करिए, ऐड करिए पार्टीज, तो यहाँ पर हमने जो पार्टी बनाई थी उसका हम नाम डाल देते हैं, ऑटोमेटिक नंबर और शिपिंग एड्रेस सब यहाँ मिल जाता है हमें। यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं कोई भी आइटम, तो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपने कार का एक बनाया था, हम समझ लीजिए टॉय कार हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ से अगर कोई कैटेगरी है उसकी तो हम वो भी चूज़ कर सकते हैं, कितने पीसेज हैं उसके, अगर आप कहते हैं इसके मैंने 5 पीसेज बेचे हैं तो 5 पीसेज यहाँ चूज़ करके डन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस कॉलम में, आपको नंबर, आइटम, एचएसएन, बैच नंबर, एक्सपायरी, एमआरपी, क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट, टैक्स, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपके पास में बारकोड स्कैनर है, आप स्कैनर पे जाइए, यहाँ पर क्लिक करिए, अपना बारकोड गन कनेक्ट करिए एंड ऑटोमेटिकली जो भी आइटम है उसे बारकोड स्कैन करके डायरेक्ट डिटेल्स ये सिस्टम फेच कर लेगा। यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में आपको सेल इनवॉइस नंबर, डेट, पेमेंट टर्म्स, ड्यू डेट, प्लस अगर कोई कस्टम कॉलम है आपके पास तो वो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको आपके स्मार्ट कलेक्ट यानी कि बैंक डिटेल अकाउंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। राइट साइड में आपको टोटल अमाउंट के साथ में एडिशनल चार्ज, डिस्काउंट, सारी डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाता है। ये सब कुछ एडिटेबल है, तो अगर आप कहते हैं कि सर मैंने पहले इसे एडिट नहीं किया था बट अब करना चाहता हूँ, तो आप इसे कर सकते हैं। प्लस नीचे में आपको देखिए दिखा रहा है कि बैलेंस अमाउंट कितना है, प्रीवियस पार्टी बैलेंस अमाउंट कितना है, एंड इस पार्टी के लिए हमें एक वार्निंग भी आ रही है कि इन्होंने अपनी क्रेडिट लिमिट को क्रॉस कर दिया है। तो इसके द्वारा आप नॉर्मली सेव पे क्लिक कर सकते हैं। सेव करते ही आपका जो वाउचर है यानी जो आपका बिल है वो तैयार हो जाएगा अगेंस्ट द नेम ऑफ दिस पार्टी नेम, या आपकी कंपनी का लोगो वगैरह आ गया। डाउनलोड कर सकते हैं इसे, थर्मली प्रिंट कर सकते हैं, प्लस अब कंपनी ने आपको तीनों प्रिंटिंग ऑप्शन दिए हैं, तो अगर आप इसे बाय डिफॉल्ट प्रिंट करते हैं तो आपको ओरिजिनल फॉर्मेट मिलेगा जो आप कस्टमर को दे सकते हैं। प्रिंट डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट बेसिकली आपके एम्प्लॉयज और आपके पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपको स्मार्ट कलर के साथ में आपको QR कोड भी मिल गया है, अगर आप चाहो तो इसे स्कैन करके इमीडिएट पे कर सकते हो। प्लस WhatsApp और SMS एनेबल्ड है, तो अगर आप चाहो तो इसे WhatsApp पर भी अपने किसी भी पार्टी को डायरेक्ट वाया WhatsApp शेयर कर सकते हैं। प्लस आपको डायरेक्ट अब बिल के ऊपर ही ईवे बिल का भी ऑप्शन मिलता है, तो अगर आपका ईवे बिल अकाउंट है तो उसे यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो बाय जस्ट इंस्टॉलिंग 2-step प्रोसेस। आपको बिल के लिए एडिटिंग, डिलीशन और कॉपी का ऑप्शन है। अगर आप कहते हैं कि ये सेल आपकी कैश में हुई है यानी फिर किसी ने आपको इमीडिएट हाथों हाथ पेमेंट किया या फिर ये पहले ही हिस्ट्री में पे हो चुका था और आपने लेट बिल बनाया, तो पेमेंट इनके लिए ऑप्शन में खाली आपको यहाँ पर रिकॉर्ड पेमेंट इन पे जाना है एंड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका बिल अनपेड से अब पेड में मार्क हो जाएगा एंड इसकी जो डिटेल है वो आपको बेसिकली डिटेल रिपोर्ट्स में मिलेगी। तो इनवॉइस रिपोर्ट्स के लिए
हमें नॉर्मली यहाँ पर नीचे जाना है एंड हम रिपोर्ट्स में इसे चेक कर सकते हैं। सेम वे सेल्स के अंदर आपको कोटेशन, पेमेंट इन, रिटर्न, क्रेडिट नोट, डिलीवरी चलान, POS बिलिंग एंड ऑनलाइन परफॉर्मा एंड ऑनलाइन ऑर्डर्स का ऑप्शन मिल जाता है। सेम तरीके से आपको परचेजेस भी बनाने का मौका मिलता है। अगर आपने कोई आइटम खरीदे हैं तो आप उसके लिए भी इनवॉइस बना सकते हैं इस तरीके से। प्लस अगर कोई आइटम आपको रिटर्न हो रही है सेल के बाद, उसे सेल्स रिटर्न में डालिए। और अगर कोई आइटम आपने खरीदी थी जो अब आप रिटर्न करना चाहते हैं, उसके लिए आप परचेज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एक्सपेंसेस में अगर कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड है आपके आइटम्स का, तो उसे आप यहाँ पर एड ऑन कर सकते हो। हमने बहुत सारी कैटेगरीज दी हुई हैं, तो अगर आपके कोई अलग से खर्चे होते हैं तो वो आप एक्सपेंस में दिखा सकते हैं। एंड अगर आपके पास में कोई भी स्टाफ है जो आप कहते हैं कि आप ऐड करना चाहते हो, उन्हें अकाउंट शेयर करना चाहते हो, तो कंपनी आपको इस समय ये सारे यूजर रोल दे रही है, जिसमें सेल्समैन विद एडिट एक्सेस, विदाउट एडिट एक्सेस, डिलीवरी बॉय, स्टॉक मैनेजर, पार्टनर एंड अकाउंटेंट एंड एडवोकेट का भी ऑप्शन है। तो उनका नाम और नंबर डाल करके आप उन्हें एक्सेस दे सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए कि किसके पास क्या एक्सेस है, स्टाफ रोल की इन्फॉर्मेशन में जाइए। कंपनी ने ये सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी हैं यहाँ पर। प्लस आपका टोटल जो भी रिकॉर्ड है रिपोर्ट्स का, वो आपको रिपोर्ट्स के अंदर मिल जाता है। तो यहाँ पर आपकी सेल समरी, पार्टी स्टेटमेंट लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, डे बुक स्टाफ वाइज, GST सेल्स परचेज रिटर्न, 3B रिपोर्ट, बिल वाइज प्रॉफिट, HSN समरी, प्लस आइटम वाइज स्टॉक समरी, रेट लिस्ट, आइटम सेल समरी, स्टॉक समरी, बैच रिपोर्ट एंड आइटम रिपोर्ट बाय पार्टी सब मिल जाते हैं। अगर किसी पार्टी का जो आउटस्टैंडिंग या फिर बाय रिपोर्ट बाय आइटम देखना हो, तो उसके लिए आप यहां से जा सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी एक्सपेंसेस भी यहां पर रिपोर्ट्स के द्वारा कवर हो जाती है। प्लस कंपनी ने अब आपको एक और फ्रूटफुल ऑफर दिया, जिसके अंदर आप SMS मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हो खुद का कैंपेन। अगर आपके यहाँ सेल वगैरह चल रही है तो हमारे यहाँ से डिस्काउंट वगैरह सारे ऑप्शंस हैं। आप कोई भी एक टेम्पलेट चूज कर सकते हो, सिलेक्ट करके उसे एडिट कर सकते हो एंड एक साथ अगर आप चाहो तो मल्टीपल यूजर्स यानी जितनी भी पार्टीज आपके अकाउंट में हैं सबको चूज करके इसी सेम तरीके से SMS भेज सकते हो। तो देखिए जैसे मुझे ऑप्शन दे रहा है, एक साथ मैंने इतने सारे पार्टीज को पूरा ये कैंपेन क्रिएट करके भेज दिया जो 12 पार्टी को गया है। ओके, एंड अगर आप आते हैं तो स्मार्ट कलेक्ट अगर अभी भी आपने अनेबल नहीं किया है तो आप अभी के अभी अपने डेस्कटॉप पे से अनेबल कर सकते हैं। एंड उसमें बस आपको अपना नॉर्मल बैंक अकाउंट ऐड करना होगा एंड उसके बाद में आप ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग स्मार्ट कलेक्ट। प्लस अगर आपको ये सारी चीज़ें शॉर्टकट में चाहिए, अगर आप इमीडिएटली कोई प्रोसेस करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको क्रिएट सेल इनवॉइस का टॉगल दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए, इमीडिएट ऑप्शंस आपको सामने मिल जाएंगे। ये बेसिकली अनदर शॉर्टकट है आपका एफर्ट और समय बचाने के लिए। टॉप राइट कॉर्नर में आपको कंपनी की डिटेल्स मिल जाएंगी। सेटिंग्स में जाकर के आप अकाउंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस प्लस इनवॉइस थीम्स, जो कि कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में नया अपडेट लाया है टैली थीम का, जिसके अंदर आपको सेस एंड HSN एंड टैक्सेबल वैल्यू तीनों देखने को मिल जाती है नीचे। प्लस ये कस्टमाइजेबल है, तो आप अपने मन मुताबिक कोई भी एक कलर चूज कर सकते हैं, उस तरीके से इसका फॉर्मेट सेट हो जाता है। तो ये भी काफ़ी फ्रूटफुल साबित होता है बिजनेस में। प्लस आपके पास में अगर कोई रिमाइंडर्स हैं, अगर आप कहते हैं कि हमें चाहिए कि हमारे पार्टीज के पास में SMS जाए, तो आप इसे ऑन रख सकते हैं ऑटो रिमाइंडर को। प्लस अगर आप चाहते हैं कि पेमेंट रिमाइंडर भी जाए WhatsApp द्वारा, प्लस आपको भी आइडिया मिले कि कौन सा पैसा आया है नहीं आया है, तो उसके लिए आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। एंड ऑफकोर्स आपके जो बिजनेस अकाउंट है, अगर अकाउंट की डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। प्लस अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो रेफरल कोड उनको बता करके यहाँ से रेफर आप कर सकते हैं। इसमें भी आपको अनेकों कैशबैक ऑफर्स मिल जाते हैं। एंड अगर आपके पास में मल्टीपल बिजनेसेस हैं तो यहाँ से आप मल्टीपल बिजनेसेस को स्विच कर सकते हैं डेस्कटॉप ऐप पर। प्लस अगर आपको स्क्रीन के ऊपर एक साथ मल्टीपल बिजनेसेस को स्विच करना है, नॉर्मली अपने बिजनेस के नाम पर क्लिक करिए, यहां से आप दूसरे बिजनेस को एक्सेस कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके पास में कोई सजेशन है तो आप डैशबोर्ड पर यहां आकर के सजेशन दीजिए। अगर आप हमारे साथ चैट करना चाहते हैं तो आप चैट पर क्लिक करिए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको विद इन 2 मिनट सपोर्ट देते हैं। प्लस अगर आप ऑफलाइन डेस्कटॉप एप्लीकेशन चलाते हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको ऑटोमेटिकली हमारा ऑफलाइन डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करके देगा।
एंड अगर आपके पास और भी कोई ऐसी क्वेरीज हैं या फिर डिटेल्स के बारे में आप जानना चाहते हो तो हेल्प एंड सपोर्ट में नीचे आप जा सकते हैं, ये आपको टोटल एक्सेस दे देगा। इसमें FAQs, शॉर्टकट्स, इनवॉइसेस, डेटा सिक्योरिटी, अकाउंट, मोबाइल ऐप एंड एज वेल एज ट्यूटोरियल्स फॉर आइटम पार्टी इनवॉइस एंड पेमेंट्स सबका ऑप्शन है, तो आप चाहें तो ये सब कुछ भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो फील फ्री आप हमें इस नंबर पर कॉल बैक कर सकते हैं आप, या फिर हमारे साथ व्हाट्सएप पर या फिर लाइव चैट भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई और अब आपको MyBillBook सॉफ्टवेयर चलाने में आसानी होगी। ऐसे ही और प्रोडक्ट ट्यूटोरियल्स देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें MyBillBook चैनल को।